आजा नच नचले शावा शावा बले बले किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले आजा नच नचले शावा शावा बले बले भाई किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले। कभी भी न रखियो जबान पे लगाम जी, चंगी चंगी डिश घर बनाओ सत्ता माम जी। डांस करियो फिट रहियो मिलाओ मेरे बस स्टेप से स्टेप, स्वाद से भरा हैप्पीनेस लाएगा आपका ये बंदा हैप्पी डांसिंग शेप। हर कोई कहे कहता रहे खाना तुमने बेस्ट बनाया, कल तक जिसे चखा ही नहीं उसका तुमने टेस्ट बढ़ाया। हम लोगों को गाना है जायके का तराना। क्या बात है, विथ फुल ऑन एनर्जी हम आ गए हैं यहाँ पे भाई, मजा आ गया। थोड़ा सा नाच गाना हो जाए ना किचन में तो भाई मन फ्रेश लगता है और खाना बनाने का मजा भी अलग ही आता है। मैं जो डिश बना रहा हूँ बहुत ही यूनिक है, करेला कीमा फ्राई बना रहा हूँ और ये बहुत ही जबरदस्त है। पूर्वी जी एक बार ट्रेडिशनल वेलकम कर दें सबका जी, जी? चलिए मेरा और पूर्वी का आप सभी को डांस भरा नमस्कार। तो पूर्वी जी थोड़ा सा इंतजार करिए, बढ़िया करेला कीमा फ्राई बना के ला रहा हूँ। करेला कीमा फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले पैन मैंने रख लिया बिल्कुल गर्म करने के लिए और उसके साथ साथ ये लीजिए तेल। हम पहले कीमा बनाएंगे और उसके बाद करेले को स्टफ करेंगे और उसके लिए मुझे जीरा इसमें डाल लेना है कीमा के लिए, साथ ही साथ थोड़ी सी राई और इसके साथ साथ एक बड़ा चम्मच अदरक का और एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। आलो जी आहा क्या बात है। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें कीमा डाल लेते हैं। और कीमा के साथ साथ मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच और डालेंगे हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट। ओ जी मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने चिकन में है डाला। हिसाब से मसाले डाल लें और अब मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब पानी डालने के बाद अच्छे से मिला लें ताकि कीमा दानेदार हो जाए और हम अच्छे से पका लेते हैं। अब कीमा को ये एक बोल में मैं निकाल लेता हूं। अब कीमा को हमने एक बोल में निकाल लिया, इसके साथ साथ ये जो करेला हमने लिया है इसे ऊपर से ये पील कर लिया है और अंदर से ये देखिए सारा सीड्स वगैरह जो होते हैं सब निकाल के इस तरह से शेल्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो कीमा है ये मैं इसके अंदर स्टफ कर देता हूँ। अब ट्रेडिशनली आप चाहें तो सूते से बांध सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ये लीजिए जी करेला को हमने स्टफ कर लिया, अब ये कीमे को रख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, देसी घी लेंगे। अब करेला कीमा साइड अप ये डाल लेते हैं, इसके साथ साथ मेरे पास दो पील्ड प्याज हैं और इनको इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है। और प्याज को करेले के संग यहाँ डाल दे और इसे ढक के पकाना है। ये लीजिए ये ढक दिया ताकि स्टीम से करेला पकता रहे और नीचे बढ़िया कलर आ जाए उसमें, और बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि बहुत ज़्यादा बर्न्ट ना हो जाए। और इसे हम पकाएंगे लगभग 12 से 15 मिनट धीमी आंच पे। अब जब तक करेले पकते हैं तब तक हो जाए शेफ गिरी। क्या आपको पता है करेला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है
जिसे आप खाएं तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन है, इसमें पोटेशियम है और ढेर सारी चीज़ें आप जो सोच सकते हैं सब कुछ है। बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा है जो आपको पसंद नहीं है, कड़वा है। भाई कड़वा है तो क्या हुआ, एक ग्लास जूस रोज पी लें, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। ट्राई करिए। और बीच बीच में ये टर्न करते रहें, और कीमा अगर गिर भी रहा है नीचे तो चिंता मत करिए, क्योंकि हम कुछ ऐसा करेंगे अभी जिससे मॉइस्टनेस आ जाएगी। फिर से ढक दिया। अब मेरे पास ये बढ़िया चार टमाटर हैं, बड़े बड़े, इनको लेते हैं और ये चीज़ जो है ये निकाल लेते हैं, और इस तरह से मोटे मोटे क्यूब्स काट लेने। और अब ये ढक्कन खोल लिया, इसमें सारे टमाटर डाल लेते हैं। इसीलिए मैंने कीमा में टमाटर नहीं डाला था, क्योंकि अब टमाटर गलेंगे, कीमा बाहर भी निकला तो मॉइस्ट हो जाएगा, है ना, मज़े वाली बात। इसके साथ साथ ग्रीन चिली स्लिट, और अब डालेंगे मसाले। ये आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर दो बड़े चम्मच, और इसके साथ साथ फिर से नमक। ओ जी मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने करेले में डाला। इसे मैं अभी मिक्स नहीं करूंगा, वापस ढक देंगे, 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। बीच में आप करेले को वापस टर्न कर सकते हो। और ढक्कन निकाल लिया। अब इसमें देखिए थोड़ी बढ़िया ग्रेवी सी बन गई है, और ये करेले का स्किन भी देखिए सॉफ्ट हो गया है और बढ़िया पक रहा है, क्या बात है। ओहो, अब ये जो कीमा बचा हुआ है ये इसके ऊपर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से डाल लेते हैं और स्प्रेड कर लेते हैं, और उसके साथ साथ कटा हुआ हरा धनिया। अब करेला जो है पूरा कवर हो गया है, और इसे वापस ढक के मैं 4 से 5 मिनट और पकाऊंगा। फाइनली 20 से 25 मिनट पकाने के बाद अब डिश बिल्कुल तैयार है। करेला मुझे जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, और मैं ये इंडक्शन बंद कर लेता हूँ, और परोसने के लिए वाह सुंदर सी प्लेट तैयार हो गया जी। परोसने के लिए कवर ऑफ, क्या बात है। देखिए इसमें ग्रेवी भी दिख रही है और चिकन भी दिख रहा है, करेला भी बढ़िया दिख रहा है। अब ये देखिए ये, आह क्या बात है। करेला निकालते हैं और ये नीचे से बिल्कुल बढ़िया पका हुआ है, जैसा मुझे पसंद है ना, बिल्कुल वैसा ही। थोड़ा सा बर्नट है नीचे से, और ये जो है ना असली हिस्सा, इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, और ये लीजिए क्या बात है। और बढ़िया कीमा करेला बिल्कुल तैयार है गार्निश के लिए। ये मेरे पास कुछ कुछ जिनसे गार्निश कर लेते हैं, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल लेते हैं। कीमा करेला बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार है, स्वादिष्ट है, दो चीज़ों का स्वाद आपको एक डिश में मिल रहा है, करेले का और कीमा का, है ना मज़ेदार। भाई इसी तरह से बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हैप्पी डांसिंग शेफ में, क्योंकि आपका ये बंदा शेफ हरपाल सिंह सोखी आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आता रहेगा। भाई अगली बार मिलूँगा एक नई रेसिपी लेके, एक नए अंदाज में, इसी किचन में मौज मस्ती करेंगे।